हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉमर्सर में। दोस्तों, जिला परिषद गढ़चिरौली में नई वैकेंसीज आई है, तो डिटेल्स में देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, समग्र शिक्षा शिक्षण विभाग प्राथमिक जिला गढ़चिरौली। ठीक है, जिला परिषद गढ़चिरौली में नई वैकेंसीज आई है, ओके, जो कि है समग्र शिक्षा शिक्षण विभाग प्राथमिक के लिए। ठीक है, ओके, तो ये कहाँ पे? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV। ठीक है, प्रकार एक में। ठीक है, मूलिन से वस्ती ग्रोवर शाह। ठीक है, फॉर द क्लास 6 एंड 8। ठीक है, छठी क्लास के लिए और 8 क्लास के लिए। ओके, तो डिटेल्स में देखते हैं कौन कौन से पद इसमें भरने के लिए। ठीक है, पहला है गृह ब्राउन महिला KGBV टाइप 1 में। तो इसके लिए टोटल कितनी वैकेंसीज है? टोटल 5 वैकेंसीज है। ठीक है, नेक्स्ट है लेखापाल महिला के लिए KGBV टाइप 1। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है? यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ओके, नेक्स्ट है सह संयोजक की महिला KGBV टाइप 1, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज? यहाँ पे भी 1 वैकेंसीज है। ओके, नेक्स्ट है चौकीदार पुरुष, यहाँ पे पुरुष के लिए वैकेंसी है वाली चौकीदार की टाइप KGBV टाइप 1 में। ओके, ये कितनी है? टोटल 3 वैकेंसीज है। ओके दोस्तों, क्या अभी इसके लिए एजुकेशन क्या लगेंगे वो देखते हैं। ओके, गृहपाल के लिए क्या चाहिए? किसी भी शाख मतलब कौन सी भी आपकी पदवी होनी चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक अर्हता BSW MSW होनी चाहिए। ओके, आपकी वायु मर्यादा कितनी होनी चाहिए? 38 ईयर तक आपकी वायु मर्यादा होनी चाहिए, और जो राखी पदों के लिए है, ठीक है, मागास वर्गियों के लिए 43 दी गई है। ओके, नेक्स्ट है लेखापाल, लेखापाल के लिए कौन सी पदवी चलेंगी? ठीक है, और आपकी इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट और मराठी टंका लेखन 30 वर्ड्स पर मिनट प्लस MSCIT आपका होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्वयं स्वयं पाक के लिए किमान कम से कम आप साक्षर होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है चौकीदार। ठीक है, चौकीदार के लिए क्या मांगा गया है? चौकीदार के लिए चाहिए सैन्य दल, पुलिस दल, ठीक है, निवृत्त माजी सैनिक अथवा माजी पुलिस, इनको प्रथम प्राधान्य दिया जाएंगे इसमें। ठीक है, जब उपलब्ध नहीं सुरक्षा विषयक प्रशिक्षक, ठीक है, सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण लिए हुए व्यक्ति को भी इसमें चांस मिलेगा। ओके दोस्तों, और एज क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है, 38 ईयर है ओपन के लिए और मागास वर्गियों के लिए 43 है। ओके, इसमें क्या है, गृहपाल के लिए कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, और लेखापाल के लिए क्या है, BCom प्लस लेखा विषयक काम का 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। ओके, प्लस सह संयोजक के लिए 4वीं पास होना जरूरी है, आपको साक्षरता का प्रमाण पत्र होगा तो आपको प्राधान्य दिया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है चौकीदार के लिए। ओके, चौकीदार के लिए क्या है? चौकीदार के लिए चाहिए नेशनल सर्टिफिकेट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और सेक्टर स्किल काउंसिल और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, सुरक्षा विषय प्रमाण पत्र होगा जिनको उनको प्राधान्य दिया जाएगा। और गृहपाल के लिए क्या है, पेमेंट कितने का? 25,000 रुपये। ओके, लेखापाल के लिए क्या है? 15,000 रुपये, और स्वयंपाक के लिए 9,000 रुपये, और चौकीदार के लिए रहेगा 9,000 रुपये। ठीक है, और ये मासिक वेतन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं डिटेल्स में क्या दिया गया है। आपको ये फॉर्म अप्लीकेशन के साथ सबमिट करने पड़ेंगे। ओके, तो अब तक 2/3/2019 तक आपको फॉर्म शाम के 5 बजे तक आपको सबमिट करने। ओके, और आप ये एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट के थ्रू या स्वयं जाके दे सकते हैं। ठीक है, डाक द्वारा आप समग्र शिक्षा कार्यालय जिला परिषद गढ़चिरौली यहाँ पे आप 11 से 5 के बीच दे सकते हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पे लिखा गया है कि पोस्ट से अगर विलंब हुआ जाने में आपके एप्लीकेशन फॉर्म तो वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है? आपको लगाना है जन्म तारीख का पूरा हुआ TC, ठीक है,
जाति प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आदिवासी प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण पत्र, ठीक है। और आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए वही इसमें, ठीक है। और 38 ईयर, ठीक है, ओपन के लिए, 42 ईयर मागा स्वर्गीय के लिए, ओके। और आपको ये पूरा जो ये फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको zpgarhwal.org इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज की जाएंगी जिला परिषद द्वारा टाइम टू टाइम, ठीक है, मतलब मुलाकात गुणवत्ता निगट, ठीक है, तो ये इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी आपको टाइम टू टाइम, zpgarhwal.org, ओके दोस्तों। और इसकी नियोर कार्यपद्धति कैसी है, यहाँ पे देखे सदर 6 महीनों के लिए, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ओके। ठीक, गृहपाल के लिए आपकी BSW MSW, ठीक है, इस गुण पर आपके इनके BSW MSW के मास पर आपका अनुभव के आधार पर आपकी निवड़ की जाएगी। और लेखापाल के लिए, ठीक है, अनुभव के आधार पर आपका कितना है और सभी आपके एजुकेशन क्राइटेरिया का जो दिया गया मेंशन जिस पे आपकी सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। चौकीदार के लिए हमारी सैनिक, ठीक है, गुणवत्ता है, ओके दोस्तों, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का रहेगा, तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो जिनके भी ये काम का नोटिफिकेशन है उनको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। और अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे फ्यूचर में आने वाली रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।